अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी पोटैटो चीज़ बॉल्स। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 3 बड़े आलू को लेकर बॉईल कर लिया था और अब मैं इसमें डालूंगी नमक हसबे जायका, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सबको अच्छे से मैश कर देंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं या कांटे की मदद से। यहाँ पे मैंने चीज़ भी काट के ऑलरेडी रख दिया है और अब मैं इनके बॉल्स बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर लिया है, अब मैं इसके बीच में चीज़ रख दूंगी। चीज़ रखने के बाद मैं इसको बॉल का शेप दे दूंगी। बाकी भी मैं इसी तरह से बना लूंगी सारे। यहाँ पे मैंने सारे बनाकर रख दिए हैं और अब मैं इनकी कोटिंग के लिए मैदे का बैटर बना लूँगी। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा नमक और काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे और अब पानी मिलाकर इसको थिक बैटर बना देना है। बैटर अगर ये पतला होगा तो कोटिंग सही से नहीं आएगी। बैटर बनाने के बाद अब मैं एक बॉल लेकर उसको इसमें डिप कर रही हूँ। डिप करने के बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर दूंगी। और अगर आप ज़्यादा अच्छी कोटिंग चाहते हैं तो आप पहले खुश्क मैदे में इसको कोट करें, उसके बाद फिर से इस बैटर में कोट करके आखिर में इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करें, उससे कोटिंग बहुत ही अच्छी आती है। यहाँ पे मैंने सारे कोट करके रख दिए हैं और अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूंगी। अब यहाँ पे मैं 1 दिन के बाद इनको फ्राई कर रही हूँ। मैंने फ्लेम को बहुत ही हल्की आंच पे रखा है, दम की आंच पे, और अब मैं इनको फ्राई कर दूंगी जब तक कि इन पे अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन सा। मैंने 1 दिन के लिए इनको फ्रीज़र में रखा था, आप चाहें तो 2 से 3 घंटे रख सकते हैं। और अगर आप इनको ऐसे ही फ्राई कर देंगे तो ये टूट जाएंगे। बॉल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं तो अब मैं इनको डिश आउट कर दूंगी। और अब यहाँ पर मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि इसका चीज़ पूरा अंदर तक मेल्ट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thank you for watching this video. Allah Hafiz.